हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टेस्ट सीरीज चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ओडिशा बोर्ड रिजल्ट की। क्या जो हमारा ओडिशा का बोर्ड रिजल्ट है वो हमारा कब प्रदर्शित होगा और किस प्रकार से हम रिजल्ट अपना देख सकते हैं, तो इस पॉइंट पर ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि ओडिशा का जो रिजल्ट है आप किस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको ओडिशा का रिजल्ट देखना है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में ये कहना चाहूँगा, आपको सिर्फ दो स्टेप फॉलो करने हैं और आप ओडिशा की मेन वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। अगर वहाँ पर आपको रिजल्ट प्रदर्शित नहीं होता है तो एक साइट का नाम मैं और बता दूँगा यहाँ पर, जिससे आप रिजल्ट बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या टाइप करना है, एक ब्राउज़र। सबसे पहले अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सबसे पहले हम जब कोई सा रिजल्ट देखते हैं तो हमें एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है। यहाँ पर टाइप करना है ORISS, हो गया ओडिशा। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है रिजल्ट, RESULTS, रिजल्ट भी हो जाता है। अब यहाँ पर डॉट लगा के NIC.IN इतना टाइप करना है और आपको सर्च कर देना है। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है, जो फर्स्ट वाली वेबसाइट यहाँ पर आप देख रही है, उस पर क्लिक करना है और उस वेबसाइट को आपको ओपन कर देना है। जब आप वेबसाइट ओपन कर देंगे तो आप देखेंगे ओडिशा रिजल्ट की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाती है। तब आपको देखना है, आपको 12th का देखना है या फिर 10th का देखना है, उसके अनुसार आप यहाँ पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे +2 आर्ट कॉमर्स वोकेशनल एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट 2019 का, ये आपको देख रहा होगा यहाँ पर। जो 2020 का वो रिजल्ट आप आज को देखना पड़ेगा, सॉरी, जो 2020 का रिजल्ट है वो आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट देख लेंगे। अब मैं बात करता हूँ दूसरी वेबसाइट की। अगर इस वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, सपोज करो किसी कारणवश ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, तो आपको रिजल्ट कैसा देखेंगे, तो वही मैं बता देता हूँ आपको रिजल्ट यहाँ पर। दूसरी जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट एक और है, उस पर रिजल्ट आपको कैसा देखना है। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको, जो ब्राउज़र ओपन कर रखा है थोड़ा बैक जाना है आपको। ये देखिए, हम बैक चले जाते हैं फिर बैक जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा गूगल क्रोम ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है, आसान भाषा में बताता हूँ मैं, indiarezult.com। आप देख रहे होंगे indiarezult.com, यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट है indiarezult.com, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं सेलेक्ट स्टेट या यूटी। तो यहाँ पर आपका कौन सा स्टेट था, ओडिशा। तो यहाँ पर आप देखिए ओडिशा कहाँ है लिस्ट में, देख रहे हैं ओडिशा, ये आ गया। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ओडिशा बोर्ड, तो छोड़िए आप ओडिशा बोर्ड, जो ओडिशा स्टेट है उसके सभी जितने भी रिजल्ट A to Z प्रदर्शित होते हैं, डिक्लेयर होते हैं, अनाउंस होते हैं, तो इस वेबसाइट पे आपको एक क्लिक में देखने को मिलेंगे। तो इस वेबसाइट को आप ध्यान से रखना और याद रखना, मेरा कहने का मतलब है याद रखना, क्योंकि आपको बार बार रिजल्ट देखना पड़ता है तो आप कोई ना कोई सी वेबसाइट चेक करते रहते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, टाइम सबसे ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ देखिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा देखने को मिला आपको। थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर आता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं 21/5 एनुअल SSC एग्जामिनेशन 2020 और आपको देख रहे हैं माध्यम संस्कृत एग्जामिनेशन 2020। तो यहाँ पर ही जो फर्स्ट लिस्ट है, लिस्ट देख रहे हैं आप, इस लिस्ट में ही सबसे पहले जैसे यहाँ पर SSC एग्जामिनेशन 2020 प्रदर्शित हो रहा है, ऐसे ही आपका 10th का 12th का रिजल्ट प्रदर्शित होगा। तो आप इस माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपको पास प्रोवाइड कराता रहता हूँ। मेरे पास जो है वीडियो अधिकांश बनती है, टैग की वीडियो तो मैं कम बनाता हूँ, जो अधिकतर एजुकेशन पर्पज़ के लिए टैग की वीडियो होती है मैं उसी वीडियो को बनाता हूँ, अन्यथा सरकारी जॉब से रिलेटेड और एग्जाम टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियो आपको बनाकर दूंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।